भाजपा और सपा के प्रचार तंत्र ने बसपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराया है। एक तरफ जिनकी 5 संसद की सीटें थीं और उन्होंने विधानसभा में दिखाया कि वो जीत रहे हैं, जबकि हमारे पास 10 संसद की सीटें थीं और हमको हराया दिखाया जा रहा था। तो ये सब प्रचार तंत्र का खेल था। हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप संघर्ष करो, बहन तुम्हारे नाती जी जिंदाबाद, बहन तुम्हारे नाती जी जिंदाबाद। दोस्तों, चूंकि मैं आपके लखनऊ आता रहता हूं, हमसे तू तो चकना चूर कर देंगे और हुकूमत पा के है जालिम, न हो मगरूर तू इतना, तुझे अब के हुकूमत के आने से पहले एक गीत पेश कर दूं। हमारे दरमियान हमारे रामनाथ हुआ है और आज लास्ट ये लखनऊ मंडल का 18 तारीख को कार्यक्रम है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है, जो पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, इनको ये जो पिछला चुनाव बीता है इसमें बहुत बड़ी साजिश और एक षड्यंत्र किया गया था। उसी के तहत जो ये षड्यंत्र और साजिश करके हमारे वर्करों का हौसला गिराने का काम किया गया था, उसी के तहत मंडल वाइज कार्यक्रम करके पूरे पिछड़े समाज को, अल्पसंख्यक समाज को, SC ST समाज को, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज को अपनी सच्चाई बता करके उनको जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। उसी की मेरी मीटिंग चल रही है। सर, जनादेश लगातार घटता जा रहा, तो इस जनादेश को कैसे बढ़ाएंगे? जनादेश बहुजन समाज पार्टी का कभी नहीं घटा है। जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है तब से लगातार लगातार जनाधार बढ़ता जा रहा था हमारा, लेकिन जब से ये EVM का इस्तेमाल शुरू हुआ है तब से मेरा जनाधार घटना शुरू हुआ है और इसमें कहीं न कहीं से कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, जिसके लिए अभी मान्य बहन जी ने भी जन्मदिन बोला है, इसके पहले भी जब शुरुआत हुई है। मेरा एक मानना है कि जिस देश के लोगों ने EVM की शुरुआत किया, उन देश के लोगों ने कुछ दिन चलाने के बाद अगर लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही तो वो लोग तो बंद कर दिए, लेकिन इस भारत देश में चाहे जितने दल हैं, सारे दल के लोग, सभी लोग इसका विरोध करते हैं कि इसको बंद कर दिया जाए। जहां से EVM पैदा हुई, अगर उस देश के लोगों ने बंद कर दिया तो इस देश में बंद करने में क्या दिक्कत आती है, ये मेरा समझ नहीं बात आती है। रही बात दूसरी चीज, जो ये विधानसभा का चुनाव हुआ था, इस विधानसभा के चुनाव में आप सभी लोग जानते हो कि बहुजन समाज पार्टी के आज 10 सांसद हैं और जो लड़ाई दिखाई गई भारतीय जनता पार्टी से वो 5 सांसद वालों को दिखाई गई। बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है, उसको डमी और BJP की भी टीम बताई गई और एक क्षेत्रीय पार्टी को लड़ाई में बताया गया। बहुजन समाज पार्टी इस देश में एक ऐसी पार्टी है जिसका SC ST खाली बेस वोट 25-26% है, इसको डमी बताया गया और जिसका कोई बेस नहीं, 6-7% वोट वाली को लड़ाई दिखाया गया, 10 सांसद वाले को डमी बताया गया, 5 सांसद लड़ाई बताया गया, एक षड्यंत्र हुआ जो BJP का प्रचार तंत्र था और जो विपक्षी दल के लोग थे इसके बहुत बड़ी साजिश किए हैं। जबकि अगर आज बहुजन समाज पार्टी को सही लड़ाई में दिखाया गया होता तो बहुजन समाज पार्टी का जो आम जनमानस है इस देश का, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, छात्र हो, बेरोजगार हो, छोटे व्यापारी हो, सब परेशान है BJP सरकार से, इस प्रदेश से और इस देश से, और यहाँ तक एक मुस्लिम समाज है जिसको कुछ ज्यादा डराया गया और उसकी लड़ाई वहां दिखाई गई कि ताकि मुस्लिम समाज भाजपा को हराने के लिए जिसको लड़ाई दिखाएंगे वही वोट करेगा। लड़ाई समाजवादी को दिखाया गया जिसके पास कोई बेस नहीं था, और 20% वोट जब वहां गया तो 20% वोट माइनॉरिटी का और 8% वोट जो उनका था, कुल 28 हुआ है, और 2-3% माहौल का गया, 31% जा करके कुछ समाजवादी रुक गई। लेकिन अगर ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी को लड़ाई में दिखाया गया होता तो SC ST हमारा 26% है, और अगर माइनॉरिटी मुस्लिम समाज 20% बहुजन समाज पार्टी के साथ आया होता तो ये 46% होता, और अब पिछड़ा वर्ग जो पूरे उत्तर प्रदेश का था ये बहुजन समाज पार्टी के साथ पहले भी मजबूती से रहा है, और इन्हीं के बल पर 2007 में बहुजन समाज पार्टी पूर्व बहुमत की सरकार बना चुकी है। उस वक्त भी पूरा हमारा अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, पूरा OBC, अति पिछड़ा वर्ग, SC ST, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग भी रहे हैं, उनके बल पर साथ में बहुजन समाज पार्टी गवर्नमेंट बना चुकी है, और फिर उन्हीं के बल पर प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि मुसलमानों को लेकर पसमानदा भाजपा के लोगों के कहने से हमारी पार्टी थोड़ी ना चलेगी,
यही तो भाजपा के लोगों ने कहा था, भाजपा के प्रचार तंत्र ने कहा था, विपक्षियों ने कहा था, इसी के बल पर तो मेरे वर्करों का हौसला गिराया गया था। ये मेरे वर्करों का हौसला बहुत बढ़ा है क्योंकि माननीय भाई जी ने कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाया है। आज पूरा कार्यकर्ता उत्साहित है और जब जिस सेना का जिस दल का कार्यकर्ता उत्साहित हो जाता है उसको कोई पीछे नहीं कर पाता है। आगे जिला स्तरीय बैठकें होनी है? जिला स्तरीय बैठकें मेरी नहीं होनी है, आज मंडल स्तर का कार्यक्रम मेरा पूरा हो जाएगा। इसके बाद हमारी सेक्टर वाइज बैठकें चल रही हैं गांव में और मैं हर जनपद में जाकर के उन सेक्टर की बैठकों में शामिल होंगे जहां हमारे कोऑर्डिनेटर जिला अध्यक्ष संगठन के लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं। सेक्टर पर बूथ पर जाकर के